नमस्कार, मैं हूं जूली। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नीतीश सरकार राज्य में अक्सर सड़कों का जाल बिछाने की बात करती रहती है। बीते कुछ सालों में कहीं ना कहीं इस दावे पर काम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस क्षेत्र में एक और तोहफा बिहार वासियों को मिलने जा रहा है। दरअसल पटना के दिघा और सारण के सोनपुर के बीच जेपी सेतु के समानांतर प्रस्तावित पुल अब 4 लेन की जगह 6 लेन का बनेगा। गुरुवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक और पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के बीच हुई बैठक में इसके प्रस्ताव पर सहमति बनी। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जेपी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल के संबंध में इस निर्णय की जानकारी दी। पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि नए पुल के निर्माण को लेकर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने DPR बनाया है। इसकी स्वीकृति के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में गुरुवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। बैठक में इस बात पर मुहर लगी कि प्रस्तावित पुल अब 4 लेन की जगह 6 लेन का बनेगा। दरअसल पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पटना में गंगा नदी पर जेपी सेतु के समानांतर एक पुल को केंद्र की मंजूरी की घोषणा की थी। तब ये कहा गया था कि यह पुल 5 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 5 लेन होंगे, लेकिन अब ताजा जानकारी के मुताबिक इस पुल में 6 लेन होंगे, यानी कि अब इस पुल से सफर करने वालों के लिए और भी सहूलियत होगी। बता दें कि इस पुल का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा कराया जा रहा है और इसका वायडक्ट भी केंद्र सरकार के खर्च पर ही बनेगा। पुल के निर्माण में 100 मीटर से लंबे स्पैन के निर्माण के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट का उपयोग किया जाएगा। ऐसा करने से प्रोजेक्ट की लागत घटेगी। हालांकि इस पुल के निर्माण के लिए होने वाले जमीन अधिग्रहण का काम राज्य सरकार अपने संसाधन से करेगी। पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि पटना से बेतिया तक की सड़क को पहले ही NH 139W के रूप में घोषित किया गया है। ये 6 लेन का पुल नए NH के अलाइनमेंट का हिस्सा होगा। ये पुल पटना को उत्तर पश्चिम बिहार जैसे सोनपुर, वैशाली, केसरिया, रामपुर, खजुरिया और अरेराज होते हुए वाल्मीकि नगर को एक साथ जोड़ेगा। इस पुल के बनने से न सिर्फ लोगों के समय की बचत होगी बल्कि इससे खर्च में भी कमी आएगी और बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बिहारी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।